प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम 4 बजे गोरखपुर के पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ करेंगे। यह हेल्थ एटीएम चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में लगाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। योगी सरकार आमजन को बेहतरीन चिकित्सा एवं इससे संबंधित जांच की सुविधाएं देने के लिए सरकारी अस्पतालों को युद्ध स्तर पर हाईटेक बना रही है। इसी सिलसिले में नई पहल है हेल्थ एटीएम की स्थापना। गोरखपुर के 23 सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें जिला अस्पताल, महिला अस्पताल के अलावा 21 सीएससी पीएससी शामिल हैं। हेल्थ एटीएम के माध्यम से एक नमूने से मरीज की 59 जांचें हो सकेंगी। इस दौरान गंभीर बीमारियों का पता लग सकेगा। शुरुआती चरण में जिले को 10 मशीनें आवंटित हुई है और उनमें से 5 मिल गई हैं। सीएससी चरगावा में पहले हेल्थ एटीएम का लोकार्पण बुधवार को सीएम योगी के हाथों होगा। हेल्थ एटीएम के जरिए शरीर की स्क्रीनिंग होगी। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, लंबाई, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, बॉडी मास इंडेक्स, मेटाबॉलिक रेट, बॉडी फैट, डिहाइड्रेशन, पल्स रेट, मसल मास आदि की जांच करा सकेंगे। इसमें पैथोलॉजी टेस्ट भी हो सकेंगे, जिसमें ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल की जांच भी हो सकेगी। भविष्य में इसके जरिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यूरिन टेस्ट, गर्भावस्था जांच, टाइफाइड, एचआईवी, ईसीजी, टीएलसी, डीएलसी जैसी जांचें हो सकेंगी। सीएससी चरगावा के बाद सरदार नगर, जंगल कौड़िया, उर्वा और कौड़ीराम के स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे।